चुनाव जारी है, ऐसे में मतदाताओं को जागरूकता भी बढ़ रही है और साथ ही उत्साह भी नजर आ रहा है। कई जगह पर लोग छुट्टियों के बाद घूमने जाते हैं, तो वहीं पर एक और जहां पर कुछ लोगों के लिए मतदान यानी कि छुट्टी का दिन होता है, तो वहीं जयपुर में मतदान दिवस से पहले और बाद में लगातार छुट्टियां होने से कुछ लोग वोट को छोड़कर पहले ही आउटिंग पर निकल चुके होते हैं। और वही वोट की कीमत क्या होती है ये बताने के लिए विजय पाल अमेरिका से चलकर वोट डालने जयपुर पहुंचे हैं। जी हाँ, विजय पाल ने आदर्श पोलिंग बूथ पर अपना मताधिकार का प्रयोग भी किया और हालांकि उनके साथ अमेरिका से वोट डालने पहुंची उनकी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है और वो कुछ निराश नजर आए। वैसे से वो बैंकर है और विजय पिछले 3 साल से न्यूयॉर्क में रह रहे हैं और उन्हें तीन महीने के बाद जयपुर आना था, लेकिन मतदान के चलते वो मताधिकार का प्रयोग करने के लिए समय से पहले यहाँ पर पहुंच गए हैं। Each vote counts and everybody should use his or her rights and cast his vote to overall development of this great country. हर वोट अमूल्य है, हर इंसान को अपना वोट यूज करना चाहिए इस देश के विकास के लिए। इस देश के विकास के लिए सबको अपना वोट अच्छे से यूज करना चाहिए। आप कहाँ से आए वोट? मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ स्पेशली वोट देने के लिए। हाँ, मेरा आना था 2-3 महीने बाद, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी आया क्योंकि मैं इस महापर्व में हिस्सा ले चलूँ। आप तो अमेरिका से चल के यहाँ तक आ गए, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे भी हैं वो छुट्टी मान लेते हैं कि आज वोट का दिन है, मतलब छुट्टी का दिन है, उनको क्या कहेंगे? उनके लिए मुझे यही कहना है कि इस देश के विकास के लिए हम सबको भागीदार बनना पड़ेगा, तब इस देश का विकास होगा। देश का विकास वहाँ पे रह रहे लोगों से होता है। हमको केवल सरकार को दोष नहीं देना चाहिए, हमको भी अपना जो कर्तव्य निभाना चाहिए। अच्छा, आप जयपुर में ही रहे हैं, कुछ बताइए अपने बारे में और वहाँ कब से हैं? मैं जयपुर में मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की है, उसके बाद मैं मुंबई में रहा काफ़ी सालों तक, उसके बाद मैं न्यूयॉर्क चला गया, अभी न्यूयॉर्क से वापस आया हूँ। तो जो भी देश होता है वो वहाँ के लोगों से बनता है। हम किसी को दोष नहीं दे सकते कि ये सरकार वैसी है, वो सरकार वैसी है। हमको अपना कर्तव्य निभाना है, अपना अधिकारों का यूज़ करना है, हमें अपना वोट अच्छे तरीके से डालना है और इस देश के विकास के लिए आगे आना चाहिए। मुद्दा क्या रहा आपके जहन में वोट डालते समय? भ्रष्टाचार, शिक्षा और मेडिकल। मेडिकल भी अच्छा होना चाहिए। यस। आप बता रहे वाइफ का भी वोट था लेकिन इस बार डाल नहीं पाई शायद। हाँ, दूर से चल के आई, कुछ निराशा हुई? काफी निराशा हुई, लेकिन ठीक है, मैं पता करता हूँ क्यों नहीं वोट डाल पाई। शायद उनका नाम लिस्ट में नहीं था, पता करता हूँ। मैं एक्चुअली कल ही आया हूँ रात को, तो देखते हैं क्या होता है। नाम मेरा नाम है विजय पाल।